टुच हो गई थी भाई, तो भाई रेस लगानी बंदे ने, खींचो खींचो। ये क्या मार रहे भाई पटाई, देखो ये देखो भाई यहाँ है ठीक, चाल जी बचे। तो गाइस अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम, ठीक है। तो अपने साथ भाई कोई केटीएम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, गरीब बंदे भाई इतना ज़्यादा, तो एंटॉक ले ली भाई ने। तो उसी खुशी में भाई ये भाई स्कूटी देख सकते हो, जो जो एंटॉक के फ़ैन है ना भाई, तो हिट कर लो लाइक। तो भाई सेल्फी लेके गर्लफ्रेंड के लिए भेज रहा है, गर्लफ्रेंड को भेज रहा है, गर्लफ्रेंड को भेज रहा है भाई सेल्फी लेके। तो ऐसी लग रही बाइक, तो मस्ती लग रही है। बाकी भाई अभी थोड़े आने वाले टाइम में अभी फुल मॉडिफिकेशन भी करने वाले, तो और मॉडिफिकेशन भी लगाएंगे RS 200 पे। तो चलते हैं भाई, चलिए भाई। कहाँ गया यार ये फर्स्ट गियर में ही पीछे रह गया। किसकी? अच्छा खींचो खींचो। भाई खींचो भाई इसको ना, मुझे हैवी गियर में ही चलाना पड़ता भाई को, क्योंकि अगर मैं टॉप गियर लगा दूं तो भाई बहुत ज्यादा स्पीड फेंक देती। वो देखो कैसे चल रहा है बंदा। भाई गजब यार, टॉक राइडर भी बहुत तगड़े होते हैं यार। ये ना एंटॉक लेके क्या बताऊं, सुपर बाइक उसे रेस लगाते। ये तो हमारी नहीं भाई सुपर बाइक, लेकिन मैं बोल रहा हूँ एक बात, बस ऐसे बदली हो स्प्लेंडर और स्कूटी वालों को। भाई बारिश आनी आने वाली है, बारिश नहीं आनी चाहिए बस, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। आजा भाई, टूच ले रहा था बंदा पीछे वाला, बोल रहा था आजा रेस लगा, आजा रेस लगा, ठीक है आजा आजा भाई, आजा भाई, अब क्यों है पीछे भाई, आजा आजा। टूच हो गई थी फिर भाई। ओ भाई ओ भाई, रेस लगानी बंदे ने। अच्छा यहाँ पे, यहाँ पे कट मार रहा बंदा। ओ तेरी यार, ये क्या सीन है भाई, ये कौन सा कट है भाई, तगड़ा कट मार गया बंदा। मतलब कि इतने आगे निकल गया बंदा कि आ भाई आ रेस लगा, ठीक है। मैं कोई बात नहीं भाई, ये देखा उंगली कर रहा है। अच्छा ठीक है भाई, करो उंगली भाई। बाइक में भी मेरे टायर को थोड़ी प्रॉब्लम पड़ गई है, तो मैं सोच रहा पंचर वगैरह है कुछ, टायर बिल्कुल बैठ गया, ठीक है। तो उस वजह से भाई मैं थोड़ा रेस नहीं मार रहा हूँ, इसको लग रहा है कि है ही नहीं है, इस बंदे में दम ही नहीं है भाई। किस पानी में है, भाई तगड़ा भाई साहब एंटॉक राइडर। अब थोड़े आगे जैसे पास ही ले लेंगे, फिर देखते हैं भाई एंटॉक राइडर क्या करते हैं। मुझे लगा ये खत्म हो गया, लेकिन नहीं नहीं, मुझे लगा कि खत्म हो गया, क्या पता। तो भाई टायर वाले ने कह दिया भाई अभी टायर डलवाने की तो जरूरत नहीं, बोल रहे नया, लेकिन इस टायर को कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो बढ़िया से चेक करवा लो। इधर हो सकता है। ये क्या मार रहे भाई पटाई, देखो। कैच हो गए कैमरे में, कैमरे में आ गए।
भाई टायर को ना क्या बताऊँ, इतना मोटा पंचर था ना, बोलने कोई बात नहीं, लेकिन भाई वो दिख रहा नहीं था, ड्यूल पंचर डाल दिया इसने दो भाई। जब भी मैं गाड़ी के पीछे चलता हूँ तो कोई ना कोई खड्डे में पड़ी जाता हूँ, इससे अच्छा है भाई गाड़ी के पीछे मत चलो भाई। ईशा को भाई राइड छोड़ के भाई ईशा को लाने जाना पड़ेगा, क्योंकि ईशा पे फोन पे फोन कर रही है। तो अब मैंने कहा क्या बताऊं यार इसको, चलो कोई बात नहीं, फिर भी जाना तो पड़ेगा यार। दिल उम्मीद तोड़ा था किसी ने सहारा। अभी जो भाई अभी बिल्कुल मस्त चल रही गाड़ी एकदम से भाई, अभी कोई परेशानी नहीं है ठीक है। तो भाई टायर ही चेक नहीं हुआ था एक बंदे से, तो इसलिए भाई मुझे भी डाउट हो गया, मैंने कहा यार टायर ही ख़त्म हो गया शायद, तो इसलिए अब तो चढ़ाना पड़ेगा। लेकिन नहीं, दूसरे बंदे ने भाई सॉल्व कर दी प्रॉब्लम। भाई अभी ईशा कहाँ पहुँची है कहाँ नहीं, ये देखो भाई यहाँ है। ठीक चाल जी बचे, तू बोल रही मैं बहुत आगे पहुंच गई होता है, 10 कदम पैदल चले तूने। और भाई इसने ना कसम खाई है कि मेरे को इन्हीं रोडों का ब्लॉग बनवाएगी डेली, ट्रेंड करवा रही है। भाई राइड पे कुछ मजा नहीं आ रहा यार आजकल, क्या करे, कुछ एडवेंचर चाहिए ज्यादा मेरे को। तेरे को क्या कर रहा है, मुझे नहीं यार राइड करने मजा यार इन 2 दिन कुछ। चल मेरे को क्यों करती है, तंग करती मेरे को लड़की यार ये। अच्छा ठीक है भाई, अपनी बाइक लग चुकी है यहाँ मस्त तरीके से, बात भी नहीं निकल रही भाई, नाक बंद हो गया मेरा। तो होप आपको ब्लॉग पसंद आया, ब्लॉग पसंद आया यार लाइक शेयर कमेंट मार दीजिए, जो चैनल पर न्यू हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब।